गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर जो बीसीसीआई ऐप है सर, उसपे भी वीडियो कभी कभी ब्लर आती है सर। गुड इवनिंग सर। सिग्नल की प्रॉब्लम है बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। माइक बंद कर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। माइक बंद करो बच्चे, एक बारी में आपकी माइक बंद कर देता हूँ, थोड़ी देर में खोलते हैं, थोड़ा सा मेरे को सेटिंग करना है। बस बच्चों आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, 2-4 मिनट लगेंगे। हाँ जी सर, सैंपल पेपर भैया 2 या 3 क्लास हम 1 मार्कर करेंगे, उसके बाद ऑल मार्कर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक बात बस सब बच्चों को ध्यान देनी है, साउंड और वीडियो पहले बता दो करेक्ट आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है क्लास कौन सैंपल पेपर करवा रहे हैं? अभी रुक जाओ मेरे भाई, सुन लो, अलग अलग पूछोगे तो सबको नहीं बता पाऊंगा ना, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है जी। YouTube पे भी लाइव है जी क्लास, सभी बच्चे ध्यान देना, YouTube पे भी लाइव है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहो, बच्चा कह रहा है मेरे को सर कौन से सैंपल पेपर कर रहे हैं, क्या पूछा आपने दोबारा बोलो। सर कौन सा सैंपल पेपर करवा रहे हैं? कौन से? ये हमारे सैंपल पेपर जो है स्कूल सैंपल पेपर चल रहे हैं ना, जो मैंने आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल कराई हुई है। और कौन सा नंबर चल रहा है बच्चों, एक बार ही बताना कौन सा नंबर सैंपल पेपर चल रहा है? थर्ड चल रहा है। लास्ट आपने कौन सा क्वेश्चन किया? थर्ड क्वेश्चन कौन सा हुआ इसमें? फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ हुआ है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा आप अपने से कर सकते हो, जो बच्चे जहां जहां कर सकते हो करना चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है, वो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सिखाते हुए बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बोली जाएंगी, जब ऐसा कुछ आ रहा है तो वो बिल्कुल फोकस करना, ठीक है जी। देखो यही वाला पेपर था ना, चेक करना, यही था, फोर्थ हो गया था ना, फिफ्थ करना है, ठीक है, फिफ्थ करना है, कर रहे हैं स्टार्ट। अब सब बच्चे प्रैक्टिस करो, जहां कर सकते हो खुद करिए, जरूरी बात है, सुनते रहिए, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए, वही मजा रखिए कि हम कितना आगे सर से निकल सकते हैं, वो भी एक अच्छी बात होती है। अभी उसने बोला सब चेक कर लो, यही वाला पेपर है, जरा बोल के बता दो मेरे को, यही पेपर चल रहा था? यस सर। एक्स ए और वाई बी है बच्चों, बोलता है सोल्यूशन है कि नहीं, दो इक्वेशनों के जिसमें एक इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है और दूसरी इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल फोर है। बोलता है आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है तो बड़ा घटिया सा, लेकिन एक बारी कुछ छोटी बातें बोल दो। ए भी पूछा गया है, ए बी के लिए इक्वेशन एक्स वाई की दो चाहिए या ए बी की? ए बी की चाहिए। लेकिन सर ये कितनी आसान बात है सर, किसी भी इक्वेशनों के सोल्यूशन दिए हैं, आंसर दिए हैं, आंसर का मतलब यह उसमें पुट करके जो आएगा ट्रू आएगा, तो अगर ये इन्हीं दो इक्वेशनों के सोल्यूशन है तो इनमें पुट करके ट्रू रिजल्ट आएगा, तो आप एक्स की जगह ए डाल दो, वाई की जगह बी डाल दो, एक्स की जगह ए वाई की जगह बी, जो आएगा ट्रू आएगा। और सर इससे ए बी की दो इक्वेशन बन गई, इन्हें आपस में सॉल्व कर लो तो ए बी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब आपस में सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, अभी हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड डाल देते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी लगे रहिएगा जहां आपको पता है, सुनते रहो और करते भी रहो, करते भी रहो, मेरे से पहले खत्म करो। टू ए इज इक्वल सिक्स, जिसका हो जाता है हैंड रेज कर दिया करो और आगे निकल जाया करो। A3 आ गया, उसे वापस पुट करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं भैया, आसान है, मुश्किल है करनी हर चीज है, ठीक है ना, आसान को छोड़ देना ना बेटर को छोड़ देना। A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 3 डाल दिया, B निकालना है, 3 - 2 1 आ गया। पर सबसे ज्यादा ध्यान वन मार्कर क्वेश्चन में करा करो इस बात पर कि कोई मल्टीपल चॉइस है तो वो जरूर ढूंढ के लिखनी है, कोई ट्रू फॉल्स पूछा है वो जरूर लिखना है, बस आंसर आ गया होल्ड मत कर देना। तो यहाँ A3 और B1 आया है, ऑप्शन C हो गई, तो सी ऑप्शन आंसर जरूर मार्क कर देना, प्रॉपर बॉक्सेस में लिखना, टीचर को मेहनत नहीं करनी पड़े, उन्हें ढूंढना ना पड़े, ठीक है जी। जहां जहां मेरा क्वेश्चन होगा वहां मैं होल्ड करके एक बारी बोला करूंगा, कोई कंफ्यूजन है तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल लिया करो, नहीं तो आगे आगे जल्दी जल्दी चलते रहा करो। यहाँ किसी को दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट सिक्स्थ, देखिए एक बात, लालच करो ऐसे, कई बार ना हमको सुस्ती सी आ जाती है, यार ये तो आता था, बड़ा आसान था, इसको मैंने करके क्या करा, अरे भाई पेपर में यही आसान आएगा, छोड़ के आएगा क्या कि मुझे आता था, मैं क्यों करूं, मैं तो कोई नया ढूंढूंगा। करोगे ना खुश होके कि ये तो मेरे को आता था, तो वही खुशियां मनाओ, ठीक है, कि इतना सारा तो आता और जो नहीं आता वो हम सीख लेंगे अभी, ठीक है। फिर ध्यान देना, दो इक्वेशन 2x + 5y = 1 और फर्स्ट में ऑलरेडी लिख चुका था दिए, बोलता है इक्वेशन पैरेलल है के बता दो, इक्वेशन पैरेलल है के बता दो, ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना, पैरेलल को कोई बच्चा मुझे बताएगा पैरेलल लाइंस को और किस नाम से बोल सकते हैं हम, इसको और कैसे कैसे बोल सकते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं सर, या ये कह सकते हैं इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, चाहे वो कह रहा होता है इनका नो सॉल्यूशन है, चाहे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, चाहे पैरेलल लाइन, सर सब एक ही बातें हैं। और वो पूछ रहा है आपको के निकालना, हर बच्चा जानता है क्या आता है केवल इक्वेशन से, सर केवल इक्वेशन कैसे बनेगी, पैरेलल लाइनों पर बच्चा फॉर्मुला बोलना, पैरेलल लाइनों पर पहले फॉर्मुला बोलो बाद में कुछ बोलना, पैरेलल लाइनों का फॉर्मुला क्या होता है, जितनी देर में देखो आपने फॉर्मुला बोला उतनी देर में मैंने काम कर दिया फटाफट से। एक बच्चा कह रहा था बीच में टोक रहा था हमें, सर सेकंड इक्वेशन गलत कॉपी हो गई है, देखो कहाँ गलत कॉपी हुई है, आपने देखा गलत है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टेंट राइट होने चाहिए बच्चों, प्लस वन उधर हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, ध्यान होगा बताया था, कोई भी क्वेश्चन लीनियर का करना हो इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सिंपल मतलब एक्स वाई लेफ्ट कॉन्स्टेंट राइट, ऐसा है कर लिया हमने, कॉन्स्टेंट राइट ले गए और सिंपल होनी चाहिए, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए सर, सब है A1/A2। मैं बार बार एक बात के लिए शुरू में आपको टोकूंगा, जो चीज आपको आती है उसके लिए रुकना मत भैया, सुन रहे हो वो सबके सबके कानों में माइक लगा है, सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाना। A1/A2 3/2, B1/B2 2k/5। अच्छा b1 ध्यान से उठाना, y का कोफिशिएंट है, सिर्फ 2 मत उठा लेना, y को छोड़ के जो बचा 2k/2 नॉट इक्वल c1/c2 दैट इज 2/-1। और आपको k निकालना, ऑप्शन भी देखोगे k किसके इक्वल है वो पूछ रहा है, तो फर्स्ट इक्वालिटी इक्वेशन इसको सिंपलीफाई करूंगा आ जाएगा k किसके इक्वल है,
तो देखो ये 2 से 2 मेरा यहाँ कट हो गया, ठीक है। ये इन दोनों को इक्वल रखोगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा 3/2 इज इक्वल है के, ठीक है। 3/2 इज इक्वल है के। ऑप्शन चेक करो, देखो कौन सी आ गई, डी पार्ट। तो ऑप्शन लिखना भूलना नहीं है, अभी अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी जरूर लिखो। हाँ जी सर, गलत हो गया सर, 5 में गलत है, 5 आएगा सर, B2 5 आएगा। ओके ओके ठीक है जी, B2 नीचे 5 था, मेरी एरर थी, मैंने ठीक की। और अब मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, ये तो बात बढ़िया सी हो गई कुछ, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ये आ गया 5 3 15 इज इक्वल है 4K, और K मेरे पास आ गया 15 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। कौन सी ऑप्शन आ गई है मेरे पास, सी पार्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलना। नेक्स्ट हटाऊं, अच्छा दोबारा दोबारा करने का फायदा क्या होता है, हर बेसिक में आपको रिकॉल कराऊंगा, यहाँ पे जो भूल रहा हो ध्यान से सुन लेना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x² - 5x + 1 = 0 शब्दों की कीमत समझो इक्वल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसने नेचर ऑफ रूट पूछी, अगर आप ऑप्शन पढ़ रहे हो तो रूट्स के बारे में कह रहे हैं ना भैया, डिफरेंट रूट आएंगे के, इक्वल रूट आएंगे के, रियल रूट मतलब आंसर नंबर वन लाइन वाले नहीं आएंगे, ठीक है भैया, के 2 से ज्यादा आएंगे, नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है। एक बारी आप सारे बोल देते कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाता, सारे मिलके बोलना क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा। नेचर ऑफ रूट निकालनी हो तो क्या निकालते हैं हम, ABC या डी? डी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है जी। जब डी की वैल्यू मेरे पास आ जाए और मुझे मान लो एक्स निकालना हो, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a, इससे हमारे एक्स के 2 आंसर आते हैं। अब सोच के बोलना सारे, सारी बातें मेरे को चेक कराओ फटाफट से, सब सोच के बोल रहे हैं। डी मान लो कभी आपका पॉजिटिव आ गया तो बताना वो पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ डालोगे, पॉजिटिव का रूट सॉल्व होता है कि नहीं होता? होता है, पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव होता है, आंसर जरूर आएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव आएगा उसे ऐड करो एक बारी बड़ा आंसर आएगा, माइनस करो छोटा आंसर आएगा, 2 आंसर आएंगे, सेम आएंगे अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे। यानी डी जब पॉजिटिव है आप डायरेक्ट सोच लेते हो रूट रियल होते हैं, आंसर पॉसिबल होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब डी 0 आ जाए बच्चों तो 0 का रूट सॉल्व होगा, लेकिन 0 + -, करो आंसर अलग अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा। माइनस करो सर आंसर सेम आएगा, यानी रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। और जब डी 0 से छोटा है नेगेटिव आए तो क्या नेगेटिव का रूट कोई नंबर होता है? पॉसिबल नहीं, नो सर, नेगेटिव का नंबर, नेगेटिव का रूट सर कोई रियल नंबर नहीं होता, नंबर लाइन पर नहीं आता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नंबरों वाली नहीं निकाल सकते, यानी रूट्स रियल नहीं होते। और मोटे तौर पर 10वीं में थोड़ा रफ भी बोलते थे, आंसर पॉसिबल नहीं होते, बेटर वर्ड है रूट्स रियल नहीं होते, नंबर लाइन वाले नहीं आते, ठीक है भैया। तो चलो डी से निकाल दो फटाफट से, ऑप्शन कोई नहीं बोलेगा, पहले से हैंड रेज कर सकते हैं जो आगे चल रहे हैं, पूरा कंसेप्ट हमने यहाँ रिवाइज कर लिया है। A2 है, B - 5 AC1 है, डी मुझे निकालना है, डी का फॉर्मुला मेरे पास B² - 4 AC है, बी का स्क्वायर करते हुए मेरा ध्यान जा रहा है भैया, बी की वैल्यू -5 है, माइनस का भी स्क्वायर करना है, -4 × A = 2, C = 1, ठीक है भैया। -2 + 5 = 25 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 25 - 8 कर लिया मैंने, 17 आ गया डी पॉजिटिव, 17 आ गया बच्चों, डी पॉजिटिव 17 आ गया, 0 से ग्रेटर आ गया। सोच के कोई भी, देखो रटा हुआ हमने कभी सीखा नहीं है, हमने सोच कर लिखना सीखा हुआ है कि सर हम, मैं दोबारा बोल दूं सर, x के 2 आंसर इस फॉर्मूले से निकाले जाते थे सर, इसमें डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डालोगे सर रूट सॉल्व होगा, पॉजिटिव का रूट सॉल्व होगा, प्लस माइनस करके अलग आंसर आएंगे, ये बात सारी हम माइंड में सोचते हुए डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं सर कि रूट्स आर रियल, रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स डिस्टिंक्ट। अब देखो ऑप्शन कौन सी आ गई वो चेक कर लेते हैं, ठीक है भैया, कौन सी आ गई? अब ये अपनी अपने स्टाइल में बोलेगा भैया, ये बोल रहा है जो 2 रूट्स आएंगे, सुनते रहना, ये दो जो 2 रूट्स आएंगे, नहीं सॉरी कहां पहुंच गया मैं, ये वाला था, जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, तो वही आ गया डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है भैया। अच्छा जिस बच्चे का ये पेपर है उसके हिसाब से कुछ मत सोच लेना, तो बच्चे ने क्या हुआ ना, कुछ सही कुछ गलत सब सारी चीजें दिखेंगी उसमें हमें। नेक्स्ट कोई दिक्कत है तो बोलना, किसी को दिक्कत है तो बोलना। इसकी कॉपी जैन बुक डिपो से लेते क्यों नहीं हो आप, रोज रोज क्यों पूछते हो, आपको बोला तो हुआ है जैन बुक डिपो से, जिसको भी लेनी है जाके लो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसके लिए, उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं। Which of the following equation has the sum of its roots as 3? एक मिनट
ज्यादा बातें पढ़ लेना भैया, जितना पूछ रहा है वो तो कर लोगे। खैर एक बारी कोई मुझे बताएगा, क्वाड्रेटिक दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स का सम निकालना है, रूट्स की प्रोडक्ट निकालनी है, क्या इसके रूट्स निकाल के ही उनको ऐड और प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट आएगी या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है हमारे पास? फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला होता है सर, माइनस वी बार, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी बाय, जो बोल रहे हैं फॉर्मूले याद कर लो भैया, ठीक है सर। रूट्स के सम का फॉर्मूला माइनस वी बाय, प्रोडक्ट का सी बार, वो कह रहे भैया इसमें से किस क्वाड्रेटिक का के रूट्स का सम, वो दिया हुआ उसने वहां पर, किस क्वाड्रेटिक के रूट का सम 3 है, ठीक है भैया, किस क्वाड्रेटिक के रूट का सम, देखो ये लिखा 3 है, तो कैसे चेक करेंगे? देखो ये पहली वाली क्वाड्रेटिक है, रूट के सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय, माइंड में चेक कर लो, बी की वैल्यू -3 यहां लाके डालोगे, माइनस माइनस प्लस 3 लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में चेक करो, अपॉन ए की वैल्यू 2, सर इसमें तो रूट का सम 3/2 आएगा, वो तो कह रहा है किसमें रूट का सम 3 हो, इसमें तो नहीं है, तो पहली इक्वेशन हटाओ सर, ये नहीं है, आप सब लिखते नहीं हो बच्चों, मेरे को समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, आप तो सोच के बोल देते हो डायरेक्ट, ठीक है जी। इसमें देखो अरेंज क्वाड्रेटिक है, चेक कर लेना, क्वाड्रेटिक अरेंज होनी चाहिए, एबीसी आपको पता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, डालो फॉर्मूले में, सर बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बी का मतलब सर 3 माइनस पहले से है, अपॉन ए का मतलब -1, ये कट हो गया, रूट का सम 3 आ गया, ठीक है, उसने बोला था किस क्वाड्रेटिक में रूट का सम 3 है, ठीक है, कौन सी क्वाड्रेटिक में आ गया बोलो, बी पार्ट में आ गया, ऑप्शन जरूर लिखिए बी, ठीक है भैया, आंसर है बिल्कुल, मेरे को अभी अभी आपकी घर की प्रैक्टिस में भी वही चीज चाहिए जो आप पेपर में करोगे, हमारी रोज की ट्रेनिंग ही पेपर में जाएगी, पेपर में कोई अलग आते नहीं बनेंगी हमारी, तो थोड़ा ढंग से करिएगा भैया। नेक्स्ट 9th 2x स्क्वायर, अच्छा इन चीजों को ध्यान दो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर एक साइड पे लिखो, ढंग से लिखो, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नीट एंड क्लीन, रफ काम नहीं होगा, बेटर करो। एक चीज और बताता हूँ, कोई भी क्लास शुरू हो, कोई भी पेपर शुरू हो, ठीक है, शुरू में थोड़ा स्लो स्पीड से, शुरू में भगाना मत उसे, ठीक है, स्पीड अपने आप जैसे जैसे मतलब टाइम बीतेगा अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगी। कई बार क्या होता है, हमारी तैयारी बेस्ट होती है, जबरदस्त तैयारी है, लेकिन शुरू में ना हमने ओवर कॉन्फिडेंट होकर थोड़ा एक्स्ट्रा स्पीड से शुरू किया और उसमें एक दो गलतियां हो गई, तो फिर वो उस दिन वाला पूरा मूवमेंट खराब हो रहा होता है, ये आपने भी बहुत रियलाइज किया होगा। तो शुरू में थोड़ा स्लो स्पीड से और फिर धीरे धीरे अपने आप वो वापस स्पीड आती है जो हमारे सारे साल की प्रैक्टिस है। आ गए वापस, 2x² - kx + k = 0 बोलता है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हैं, तो k की वैल्यू बता दो, जितना पूछूंगा सिर्फ उतना जवाब देना है, रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू पूछ रहा है, रूट्स आर इक्वल, मुझे बताओ k की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, जवाब ढंग से देना जैसे मेरे से सीखा हुआ है, बोलो बोलो कोई बोलो सर, k वाली इक्वेशन बेटर वर्ड होते k वाली इक्वेशन, और उसके बाद ये भी बोल दिया करो सर वो मे बी लीनियर बने, मे बी क्वाड्रेटिक बने, लीनियर बने डायरेक्ट होगा, मतलब माइंड में सोच लिया करो क्वाड्रेटिक बने तो फैक्टर वगैरह बनाने पड़ जाएंगे, बात तो ठीक है जी, के वाली इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन कहां से आएगी जो दिया है, अब सारे बताओ रूट इक्वल हो, मैं इसमें घोटाला करूंगा, जो आप में से 92 बच्चा इधर जूम की क्लास से इस तक पढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं कम से कम 10 बच्चे हुए जो घोटाला करते हैं, और 10 करते हैं बहुत बड़ी काउंटिंग है मेरे लिए, एक बार ही सुन लेना जरा, पता नहीं कौन 10 कर रहे होंगे और आंसर फिर भी निकाल देंगे, ठीक है, रूट्स इक्वल है तो इक्वेशन चाहिए के वाली, हर बच्चा जानता है रूट इक्वल हो तो डी जीरो के इक्वल होता है, अब मैं इसके बाद कोई गलती करूंगा तो इसी से बननी है इक्वेशन, ये तो कॉन्सेप्ट सही है, मैं गलती करूंगा मेरी गलती बताना, जैसे डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, सर आपको डी के नीचे लिखना चाहिए था फॉर्मूला, बच्चा इतना जबरदस्त है जो सबसे पहले बोला है ये, मतलब वो बाल बराबर जैसी बात भी ये नहीं है कि ऐसे गलत हो जाता, ठीक ऐसे भी हो जाता, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इसने पकड़ा उस दिन का पकड़ रखा है जिस दिन मैंने पहली बार बोला, और बिल्कुल ठीक वैसी बता रही है मेरे को, वो कह रही है सर वो कमजोर बच्चा ना गड़बड़ क्या करता है, वो डी का फॉर्मूला अलग से लिखेगा, सुन लेना भैया कि जिसकी कम प्रैक्टिस है वो एबीसी डाल देगा, इधर इधर इक्वल है, इधर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उसकी इक्वेशन ही पूरी नहीं है, और वो फिर भी कर करा के जबरदस्ती में के निकाल लेता है, तो टीचर को तो दिख रहा है ना राइटिंग सब गलत है, डिस्क्रिप्टिव में तो कम से कम नंबर काटेगा वो, ठीक है अटैकिंग करो डिफेंसिव मत करो, ठीक है डी जीरो के इक्वल है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी की जगह डालो, आपको इक्वेशन चाहिए डी को बदलो, यहाँ डी की जगह उसका फॉर्मूला और इक्वल जीरो, इक्वेशन पूरी चल रही है आपके पास, ये ध्यान देना जरा, ठीक है भैया। अब एबीसी देखो अरेंज क्वाड्रेटिक में सबको दिख रहा है, वन मार्क में भैया ज्यादा एबीसी लिखते मत रह जाना, स्टेटमेंट लिखते मत रह जाना, वन मार्क में स्टेप बचाया करो, जितने कम लिखने हो मेरे को समझाना है, मैं सब कुछ लिखूंगा, ठीक है भैया। ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है, बी की वैल्यू माइनस के, साइन का ध्यान है मेरा कि छोटी छोटी गलतियां ही होती है, बी का मतलब माइनस के है, मैंने पुट कर दिया है, -4 × a का मतलब 2 है, सी का मतलब के है, किसके इक्वल है 0 के है, ठीक है भैया। अभी कुछ तो मजेदार है इस क्वेश्चन में, एक मिनट स्लाइड यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है जी।
अभी अभी ध्यान से देखते रहना, जो खुद कर पा रहे हैं मैंने रोका कहीं भी नहीं है अभी आपको, ये चैप्टर नहीं चल रहे हैं, ये उनकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, लेकिन सुनते रहना और आगे करते रहना। माइनस का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, 4 2 8 के, कोई इस वक्त मुझे बताएगा इसमें एक आंसर आने वाला है, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे सर, बहुत बढ़िया, मना नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन मेरी गलती बताना अगर मैं माइनस 8 के को उधर ले जाऊं प्लस 8 के, ये गलत नहीं हुआ, K से K लेफ्ट राइट कट रहा है तो K का आंसर 8 आएगा, गलत कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एरर है, क्या एरर है कोई बताएगा? बीच में एक बच्चा है बोल पड़ा प्लस माइनस, प्लस माइनस का मूवमेंट नहीं है बच्चे, स्क्वायर उधर जाके रूट नहीं बना रहे हम तो K से K काट रहे थे, लेकिन उसमें गलती हो गई सर, क्वाड्रेटिक में दो आंसर आते हैं, अगर आप एक वेरिएबल काट दोगे तो आंसर एक आएगा, तो आपका एक आंसर छूट जाएगा, वो एरर में आता है। अच्छा एक बार इसी को जल्दी करवा दो, मेरे को एक शॉर्टकट होता है इसमें, ठीक है, जिन बच्चों को पता है ना कई बार यहाँ काफी मुश्किल बना होता है, तो ये कर लिया करो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो शॉर्टकट यूज कर लिया करो तो सही पहुंच जाओगे। अच्छा मान लो ऐसे कर लिया, एक आंसर छूटा ही है ना आपका, बताना आपने क्या काटा था, बोलो सारे, जो काटा था जो भी काटा था लेफ्ट राइट, उसे दोबारा जीरो के एक पल रख देना, चाहे वो के काटा, कभी के प्लस टू दोनों तरफ काटा, उसको जीरो के एक पल रख के शिफ्ट करके के निकाल लेना, तो जो छूटा हुआ आंसर है वो भी आ जाएगा, और वन मार्कर में ये बात चल जाएगी, वन मार्कर में कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है, वो बात अलग है कि इनमें से कौन सा ठीक है गलत है वो अभी देख लेंगे हम, ठीक है, अभी वापस आओ अभी ढंग वाला तरीका यूज करो, जो बच्चे कह रहे थे सर के कॉमन लो लेफ्ट राइट काटना मत सर, एक आंसर कम हो जाता है, बहुत अच्छी बात है जी, के कॉमन ले लिया अंदर, के माइनस 8 बच गया, एक पल है जीरो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबको पता है, जीरो के एक पल हो, अलग अलग जीरो के एक पल रख सकते हैं, के का एक आंसर जीरो आया, एक 8 आया, लेकिन अगर याद हो हमने एनसीईआरटी में भी ऐसा एक टाइप किया था बच्चों, तो मैंने उस दिन आपको याद हो तो के जीरो आया था वो मैंने रिजेक्ट करा था, क्योंकि जब मैं पुट कर रहा था ना क्वाड्रेटिक बच नहीं रही थी, एक्चुअली के यहाँ बैठा हुआ था, जीरो पुट करते ही क्वाड्रेटिक खत्म हो रही थी मेरी, तो उस दिन तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है भैया, लेकिन आज जीरो और एट डबल आंसर आए हैं, ठीक है, एक बार एमसीक्यू भी स्क्रीन पे ले आते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है जी, ऑप्शन है वहां पर जीरो है, ओनली जीरो आंसर है, फोर है, ओनली एट है, और जीरो और एट दोनों है, पहले बताना कि एक बार स्लाइड हटा रहा हूं मैं यहाँ से, जीरो अगर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर तो बोलो क्वाड्रेटिक खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, जीरो के की जगह डालोगे ना सर, नहीं यहाँ जीरो डाल दिया हमने, के जा जीरो आ गया, ये चीजें जीरो हो जाएंगी, खत्म हो गई, क्वाड्रेटिक तो बची हुई है सर, 2x² = 0, उसमें x के दो आंसर आएंगे, पहला भी जीरो दूसरा भी जीरो, दोनों आंसर सेम आएंगे, ये वैलिड आंसर है सर, और एट डालने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब भी क्वाड्रेटिक तो है, यानी इस वक्त दोनों आंसर है, जीरो भी है और एट भी है, ठीक है भैया, जीरो भी है और एट भी है, किसी को कंफ्यूजन है दोनों में कि दोनों आंसर है, ठीक है जी, तो ये ऑप्शन आ गया मेरा डी पार्ट 0 and 8, कोई रिजेक्ट नहीं हो पाया, वापस पुट कर वेरीफाई करा दिया, ओनली 8 आज से बड़ी बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात मान रहा हूं, ओनली 8, तो जीरो को रिजेक्ट करोगे क्यों करोगे, कोई वजह है आपके पास क्या, आप ओनली 8 कह रहे हो तो आप हमें समझा दो, स्पेकुलेट तो नहीं कर रहे हो ना, तुक्का थोड़ी मार रहे हो, आपके पास कोई वजह होगी ना ओनली 8 कहने की, अरे घबराया मत करो, जैसा लग रहा है बोल दो, या बोलो सर नहीं मेरे को तो वैसे ही फील आया था, नहीं तो अब मैं बता देता हूँ आपकी बात को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है जीरो नहीं होना चाहिए, एक बार जीरो पुट करके देख लो ना यार, मैंने पहले डायरेक्ट बोल दिया, लो मैं पुट कर रहा हूँ 0 × x + 0, जहाँ के है मैंने जीरो डाल दिया, ये आ गया 2x² = 0, ठीक है, देखो माइंड में आगे बढ़ा लो, ये आ गया x² = 0/2, इससे x निकालोगे स्क्वायर उधर जाके रूट बाहर प्लस माइनस आता है, आपको पता होगा जीरो का रूट जीरो, एक आंसर प्लस जीरो दूसरा माइनस जीरो, प्लस माइनस दोनों ही जीरो है लेकिन आंसर दो ही है और दोनों सेम है, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं इसके, तो जीरो पर कुछ गलत थोड़ी आ रहा है, ठीक ही आ रहा है, तो जीरो भी है आंसर, कोई कंफ्यूजन? अगर ये यहाँ पे लग रहा होता क्वाड्रेटिक की जगह तो हम रिजेक्ट कर देते जीरो को, हाँ अगर अगर ये यहाँ पर लग रहा होता मतलब यहाँ के होता ऐसे बोलो तो 0 × x² = 0 हो जाता, तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचती, तो क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक का और है, तब हम रिजेक्ट कर देते, बिल्कुल सही बोला आपने, नेक्स्ट आ गए, हाँ बोलो, ले आओ ले आओ, अगला क्वेश्चन ले आओ अपना, नहीं सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन एक और लगा दो सर, क्या लगा दो, और लगा दो, यस, नहीं आंसर तो हमने डी पार्ट दिया ना आपको, हैं जी, बोलो बोलो, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एक एपी में ए -7.2 है, भैया चेक कर लेना जरा ध्यान से लिखना, वो बहुत छोटे फ़ॉन्ट साइज हैं, और मेरा भी चेक कर देना कहीं अगर कुछ, क्योंकि बहुत दूर से देख रहा हूँ एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है यहाँ से,
डी 3.6 है, अगली टर्म आप पढ़ देना क्या लिखी है ये एन एन 7.2 है, ठीक है जी। और वो बोल रहा है एन की वैल्यू बता दो, ये तो आप सारे ही निकाल लोगे, बोलना मत, कोई आंसर मत बोलना, निकालो और आगे बढ़ो, मैं भी कर ही रहा हूँ। सर एन निकालना, एन वाली इक्वेशन से आएगा सर, और एन वाली इक्वेशन सर ये टर्म दी है ना, फॉर्मुला डालो ना, इसी से तो बनेगी ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल है 7.2, ए पुट कर दो माइनस 7.2, कुछ कुछ सिखाने जैसा नहीं है, खुद करो फटाफट से। डी ए 3.6 इज इक्वल है 7.2, बताना जरा एन ए टर्म के फॉर्मुले में ए और डी डाल दिया, एन आएगा, वो कोई भी निकालेगा, ब्रैकेट खोलोगे, खोल के शिफ्ट करोगे या शिफ्ट करोगे? सीधा शिफ्ट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आते हैं, ठीक है, टाइम कम लगता है। तो लो जी शिफ्ट कर दिया, माइनस 7.2 उधर प्लस 7.2 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3.6, 7.2 प्लस 7.2 14.4 हो गया, फिर n माइनस 1 इज इक्वल 14.4 मल्टीप्लाई का 3.6 डिवाइड में गया, एक डिजिट डेसिमल से एक डिजिट डेसिमल कट गया बच्चों, ठीक है जी, ये 4 पर कट गया, 36 4 144, n 4 प्लस 1 5 आ गया, तो n यानी नंबर ऑफ टर्म मेरे पास 5 आ गई, ठीक है। पूरा ध्यान बार बार फोकस बनाए कि वन मार्कर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारी ऑप्शन नहीं छूटनी चाहिए, तो ऑप्शन बच्चों ये डी पार्ट आ गई आंसर। नेक्स्ट हो गया, आता हूँ अगले क्वेश्चन में, गलती बोलूंगा, पकड़ना फटाफट से, पकड़ना गलती को, ठीक है। 11वां क्वेश्चन एक गलती के साथ शुरू होने जा रहा है, सब बच्चों का ध्यान आ गया है, चाहे कोई कर भी चुका है यार ये क्या गलती कर देंगे, मैं कहीं गलती करूंगा तो वो करूंगा जो कि बच्चे को आता है फिर भी कर दे। वो यहाँ मुझे बोल रहा है भैया कि 3 के 3 के पहले 5 मल्टीपल का सम बताना है, बताओ गलती या सही? सही बोलो, सम ऑफ 5 गलत बोला या सही? इतनी देर क्यों लगा रहे हो यार, सही तो बोला है, फर्स्ट क्यों जाते हो बातों में, ठीक है सर, बस बच्चे समझ गए, लेकिन सर इसका उल्टा पुल्टा हो सकता था, तो आप ना एक्स्ट्रा अवेयर हो गए, जब मैंने कहा गलती करनी है तो आपने कहा उल्टा ही बोल रहे होंगे, तो इसलिए आप गड़बड़ कर रहे हो, नहीं तो गड़बड़ थोड़ी करो, तो जल्दी चेक करा करो ना, यहाँ टाइम की तो कीमत है, पेपर में वो जल्दबाजी में ही तो होगी गलती। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 5 मल्टीपल का सम, 3 का पहला मल्टीपल 3, दूसरा 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, सब निकालना है। कोई बच्चा कहे मैं डायरेक्ट कर दूं सम सर 5 ही तो है, भाई मैं मना नहीं करूंगा, 5 ही है, माइंड में भी ऐड कर लोगे, 3 6 9 9 18 12 30 45 45 को मार्क कर, कौन मना कर रहा है, लेकिन कहीं ज्यादा आ जाते 3 के 50 मल्टीपल तो शुरू के 2-3 लिखते हैं, आखिरी लिखते हैं और एपी के फॉर्मूले से ऐड कर देते, ठीक है भैया, तो कैसे भी कर सकते हो, मतलब मूवमेंट देख के चौका, मतलब कि मूवमेंट देख के चौका लगाना होता है ना, कैसी बॉल आई वैसा ही तो काम करोगे, तो अभी वैसे मैं एपी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आए तो बच्चा वो जरूर सीखे, वो प्रैक्टिस करे। एन टर्म के सम का फॉर्मूला सबको पता है, एन बाय टू, मैं बार बार कहूंगा पेपर में ये फॉर्मूले वन मार्कर में मत लिखना, ठीक है। 5 टर्म है बच्चों, 5 टर्म का सम निकालना है, एन 5/2, फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 15, ठीक है, ये आ गया 5/2, 15 प्लस 3 18, डिवाइड किया 9, 9 5 हो गया 45, आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, तो 45 कोई 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 भी वो ऑप्शन मत छोड़ देना किसी भी हालत में, ए पार्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैं जब आपको कोऑर्डिनेट करा रहा था, एनसीईआरटी में नहीं था मैं, उस वक्त भी आइडिया दे रहा था भाई, ज्यादातर स्कूल पेपर में क्वेश्चन आएगा भैया, जिस टर्म में आपका कोऑर्डिनेट आना है ना, फाइनल में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, फुल सिलेबस पेपर होते हैं, जहां कोऑर्डिनेट शुरू हो गया ना पेपर में आना, वही आएगा। तो अभी सारे बच्चे लालच करना आपको कोऑर्डिनेट आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे मत सोचना, कोई भी चैप्टर, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आया सीखना हमने, चाहे अभी सिलेबस में हो चाहे ना हो। बोल रहा है 2, 3 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। अच्छा देखो, प्रॉब्लम आने वाले बच्चे जिस दिन फंसना उस दिन कैसे फंसते हैं, बहुत अच्छे बच्चे फंसते हैं इसमें, कि 2, 3 पॉइंट दे दिया उसने, उसने बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है यार, एक्स एक्सिस का पॉइंट तो पता नहीं, मैंने तो ये सीखा हुआ था कि एक्स एक्सिस का पॉइंट ना पता हो तो मान लेते हैं 0, फिर वो कह रहे हैं यार अगर मान लूं तो डिस्टेंस आएगा नहीं क्योंकि ये पॉइंट पता नहीं है, वो ऐसे बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। अरे भाई ये वाला या तो तुम्हें रटा हुआ है, तुम सारी मेहनत पहले ही कर चुके हो, सारी मेहनत पहले ही कर चुके हो, या तुम ग्राफ बना के करो, मतलब एक रफ ड्रॉ बनेगा पेपर में ही। आंसर नंबर 12, 2, 3 सबको ढूंढना आता है, ग्राफ पे कैसे ढूंढोगे, देखो ये आ गया 2, 3 पॉइंट, और थोड़ा होल्ड करके करना है इसमें, थोड़ा बीच में प्राणायाम कर लेना, जल्दबाजी में भगाओगे ऐसा क्वेश्चन उल्टा होगे गलत होता है। वो बोल रहा है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, देखो जल्दबाजी में मैं गलत बोलता हूँ, पकड़ो मेरे को, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, 3 है। सर ये थोड़ी है कि 2 पर लाइन जाके मीट कर गई तो आप 2 बोल दोगे, सर सोचो जल्दी क्यों कर रहे हो, सर सारे बच्चे कह रहे हैं, देखो पॉइंट ये है
एक्स एक्सिस ये है, डिस्टेंस सर ये बीच की लाइन है, तो ये सामने देखो ना यार स्केल आप, कि ये लाइन एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो, यहाँ स्केल दिखेगा आपको, ये थ्री तो दिख रहा है सर, उल्टे पुलटे से बहुत गलत होता है, ग्राफ पे हो रहा है, कोई कैलकुलेशन कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। ठीक है भैया, एक चीज और याद दिलाऊंगा, डायरेक्ट बोल सकते हो लेकिन पहले कंसेप्ट सीख लो भैया कि सोच के करना आता हो आपको, क्योंकि रटे हुए में कभी कभी गलती हो जाती है। तो पॉइंट मैंने तो ग्राफ पे बना लिया और ग्राफ का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मैंने ध्यान से देखा, इस सामने वाला स्केल लगा के थ्री आया। ठीक है, तो मैं बस सीधा ये इसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ थ्री मार्क कर देता हूँ। ठीक है, बी ऑप्शन लिख दूंगा, बी ऑप्शन थ्री आंसर है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, मैंने कुछ और भी बताया हुआ है, सारे बच्चे इधर आ जाओ, थोड़ा कुछ सेकंड बचेंगे, जरा ध्यान देना। आपको याद होगा पहली क्लास चल रही थी, कोऑर्डिनेट हमने स्टार्ट किया था, हम पॉइंट की पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट समझा रहे थे आपको कि पॉइंट की एक्स पोजीशन ये डिस्टेंस ए है तो इसको ए बोला जाता है, आपको हमेशा से पता है, ये पॉइंट की वाई पोजीशन अगर ये डिस्टेंस बी है तो बी बोला जाता है। अच्छा, उस दिन मैं कह रहा था सब बच्चे बोलना एक्स और वाई पोजीशन, जैसे घर में बैठ के हम बोल लेते हैं और मैथमेटिकल भी बोल लेते हैं कि एक्स पोजीशन है वाई पोजीशन है, पहले एक्स पोजीशन का दूसरा वाला नाम याद दिलाओ जरा, जो नाइन्थ में पढ़ते थे आप, एब्सिसा। सब ध्यान रखना एब्सिसा, कई बार ऐसे भी ये वर्ड भी यूज करेगा वो, और वाई पोजीशन का नाम क्या था? अच्छा, मैं एक दूसरी बात कह रहा था कि जो एब्सिसा है यानी जो एक्स पोजीशन है वो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है या वाई एक्सिस से, किसी को ध्यान हो तो? वाई एक्सिस उल्टा होता है सर, मतलब रट लो तो रहा होगा। अरे अगर ये एब्सिसा ए है तो देखना ए, ए स्केल तो ये है, थोड़ी बड़ी पिक्चर बनाओ दिख छोटा रहा होगा। एक मिनट यहाँ टाइम ले लेना भैया। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर डालोगे, ये एक्चुअली ए स्केल है, ये बी स्केल है, तो देखो ये वाला पार्ट ए है तो ये सामने वाला ए है, ये वाला पार्ट बी है तो ये सामने वाला बी है। ठीक है, आप ध्यान से देखो इस पॉइंट की एक्स पोजीशन यानी एब्सिसा। ठीक है, जो एब्सिसा है एक्स पोजीशन लेकिन एक्चुअली ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, देखो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये है, एक्स पोजीशन पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, उल्टी बात निकल के आ रही है, और पॉइंट की वाई पोजीशन उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ध्यान से देखो ये बी है। तो वैसे तो मैं तो कहूंगा आप रट के मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, आप ग्राफ से सोच के कर लेना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन जो कहता है नहीं, मैंने तो समझ भी लिया और मैं याद भी कर लिया, इसमें क्या बड़ी बात है, एक्स पोजीशन पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और वाई पोजीशन पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, याद रह जाए और कंफर्म होगी, गलती ना करो तो डायरेक्ट मार्क करना। नेक्स्ट आ जाओ, 13th क्वेश्चन बोलते हैं द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 7 माइनस 6 एंड 3 4 इन द रेशियो इज 1:2 इंटरनली। ठीक है, सुनते रहना। बोलता है एक लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट 7, -6, दूसरा एंड पॉइंट 3, 4 है, इन दो पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग को कोई थर्ड पॉइंट 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है भैया, भैया ज्यादा बारी जो हमारी प्रैक्टिस है ना वो ये थी, ये पॉइंट हम निकाल लेते थे सेक्शन फॉर्मूला से, छोटी सी बात है कोई भी निकाल देगा। कोई बताना मेरे को पॉइंट पूछा है या क्वाड्रेंट पूछा है? अभी कोई बड़ी बात नहीं है, आप में से 80-90% बच्चे कोई भी किसी को सिखा देगा, वो कर लोगे। सर पॉइंट आ गया तो पॉइंट क्वाड्रेंट में ढूंढना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कोई कोई बच्चा कंफ्यूज होता है। एक मिनट मेरी एक ऐसे हेल्प कर देना जरा, एक मिनट ऐसे हेल्प कर देना, सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ भैया जो जवाब देना चाहे। मैं कह रहा हूँ कोई पॉइंट, मैं पॉइंट नहीं बताऊंगा नंबरों में क्या आया, छोड़ो उस बात को, मैं वो दोनों पोजीशन जो एक्स और वाई पोजीशन उनके साइन दे रहा हूँ आपको, वो पॉइंट में एक्स पोजीशन प्लस किया वाई पोजीशन प्लस किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है सबको मालूम है, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चा बोलेगा ऐसे पूछोगे तो कोई भी बता देगा, चलो बताओ तो सही, प्लस प्लस बताओ किस क्वाड्रेंट में होता है? यही होता है यार, यहाँ एक्स प्लस का है वाई प्लस का है तो प्लस कोमा प्लस। ठीक है, आप सुन लो, यहाँ बताना एक्स माइनस का पहले एक्स पोजीशन लिखते हैं हमेशा और वाई प्लस का है इस क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ माइनस प्लस आता है, यहाँ एक्स माइनस का है वाई भी माइनस का है यानी यहाँ माइनस माइनस आता है, यानी यहाँ पर ध्यान से देखो चौथे क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का है वाई माइनस का है, यानी ये पॉइंट निकाल लो आप, उसका साइन देखकर आप आराम से क्वाड्रेंट सोच लोगे, ऐसे रटना मत इसे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये रटना नहीं है किसी ने भी, आराम से होता है, सोच के करना है, सेकंडों का काम है, पॉइंट निकाल रहे हैं बच्चे, बोल के बताएंगे मुझे पॉइंट मुझे निकालना है क्या, फॉर्मूला लिखना जरूरी है? बोलो जल्दी बोलो। नहीं सर, वन मार्कर में कोई फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं, वन मार्कर में जरूरी है, वन की थ्री से मल्टीप्लाई की 3 प्लस 2 की 7 से मल्टीप्लाई की 40, जितना पूछा उतना ही बोलो भाई, इधर उधर की बातें फालतू ना करो आप। ठीक है, फिर 1 की क्रॉस करके y पोजीशन 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 की माइनस 6 से साइन का ध्यान देना, ये आएगा -12 डिवाइडेड बाय 1+2, 3। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास 3+14 यानी 17/3, 4 -12 -8/3। ठीक है, मैं भी इसका क्वाड्रेंट बाद में बोलूंगा, पहले कोई बच्चा सेक्शन फॉर्मूला लगाना भूल रहा है तो मेरे को बोलो, सेक्शन फॉर्मूला लगाना भूल गया तो बोल दो। हाँ, ध्यान से देख ले मेरे भाई,
कि पिक्चर जरूर बनाना क्योंकि पिक्चर में पूरा पैटर्न है, सभी देख लो जो भी भूल गए, पिक्चर में पूरा पैटर्न है, दो कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं, उसको डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट है जो कि उसे किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है और पॉइंट निकालना है। तो कैसे बताया था आपको फॉर्मुला उस दिन जब पहली बार कभी सिखाया होगा कि यार पैटर्न से यूज कर लेना, फॉर्मुला रटके कौन यूज करेगा, रेशियो का पहला नंबर लो, पहले आप एक्स पोजीशन निकालना चाह रहे हो तो क्रॉस करके पहले एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करना, क्रॉस करके लेफ्ट वाला नंबर लिया तो राइट जाना और एक्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करना 1 × 3 3 ठीक है प्लस, बाकी आगे बढ़ जाओ, बाकी सुनते मत रहना छोटी बातों को। दूसरा नंबर लो, राइट वाला लिया तो क्रॉस करके लेफ्ट आना और एक्स पोजीशन निकाल रहे हो तो एक्स से मल्टीप्लाई करना यानी 2 × 7 14 ठीक है। डिवाइड में नीचे रेशियो के नंबरों का सम लिखना 1 + 2 3 बात याद आ गई होगी। कोमा, फिर वाई पोजीशन भी साइमल्टेनियस निकालो, 1 को क्रॉस करके वाई पोजीशन निकालनी है, सेकंड पोजीशन वाई की मल्टीप्लाई करो 4 1 4 4 फिर बीच में फॉर्मूले में तो प्लस होता है चलो एक बार वही प्लस, फिर 2 को क्रॉस करके इधर वाई पोजीशन -6 से मल्टीप्लाई -12 प्लस माइनस तो -12 भी हो जाएगा, नीचे रेशो के नंबरों का सम 1 + 2 3 बात याद आ गई होगी। लेकिन बेसिक बात यार प्रैक्टिस करके बैठो, 3 + 14 = 17/3 4 - 12 - 8/3 लेकिन पॉइंट पूछा नहीं है, क्वाड्रेंट पूछा है, एक बारी पूरी ग्राफ बस कहीं कहीं माइंड में रफ में सोच लो, x प्लस का है देखो ऐसे जाओ, x प्लस का है y माइनस का है, y माइनस में नीचे आओगे आप, यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सर फोर्थ क्वाड्रेंट है यानी यहीं पे लिखो फोर्थ क्वाड्रेंट है और ऑप्शन चेक करो डी आ गई। नेक्स्ट, अच्छा एरिया थ्योरम आउट ऑफ सिलेबस हो गई, लेकिन एक हल्के लेवल पे हम छू के चलेंगे, इसे टच करके चलेंगे। वजह क्या है कि चल प्रूफ रह गया, प्रूफ हट गया, लेकिन मैंने आपको बताया था भैया दो तरह के टीचर मिलेंगे इस साल आपको। अगर आप वो डिलीटेड सिलेबस वाला डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो ना, उसमें सिर्फ इतना मना किया उन्होंने कि एरिया थ्योरम नहीं है, ये नहीं मना किया उन्होंने एरिया थ्योरम के क्वेश्चन नहीं है। तो कुछ टीचर तो कहेंगे भैया एरिया थ्योरम के क्वेश्चन कर लो क्या पता आना जाए, और कुछ टीचर कहेंगे भैया वो भी अपना दिमाग लगाएंगे किसी हद तक कि जब थ्योरम नहीं है तो क्वेश्चन को भी कैसे पूछेगा, तो वो भी हटवा देंगे। मैं कह रहा हूँ हम थोड़ा सा मैक्सिमम करके चल लेते हैं बस, कि कहीं फंस ना जाए अगर क्वेश्चन आ जाए तो, और कोई बड़ी बात होती नहीं कि कोई बोले बहुत मुश्किल है बात बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरिया थ्योरम एक बारी सब बच्चे उसका रिजल्ट सुन लो और थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि 11वीं 12वीं में भी अदर चैप्टर में कहीं कहीं यूज करनी पड़ती है, तो आज छूट गई और कल को यूज करनी पड़ रही है, तो वो फिर थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, सब सुनना भैया एक बारी। मैं जो कल बोल रहा, अच्छा जहाँ सिमिलर ट्रायंगल का कुछ आएगा ना वहाँ जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं ये चैप्टर बिना कराया आपको सैंपल पेपर करा रहा हूँ, तो इसमें मैं कई सारे कंसेप्ट बोलूंगा इन क्वेश्चनों के आते हुए ना, ताकि आपको तकलीफ ना आए। अच्छा मैं कल बात कर रहा था सिमिलर ट्रायंगल की, सब बच्चे बताएंगे सिमिलर ट्रायंगल में साइज सेम होना जरूरी होता है या शेप? शेप सर, दिखने में एक जैसे, शेप मतलब रफ बात ऐसी थोड़ी सी हुई थी। तो जब भी आप सिमिलर ट्रायंगल दिए हो ना बच्चों, और आपको एक ड्रॉ बनाने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को छोड़ो एक घटिया क्वेश्चन है, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आपको ड्रॉ बनाने की जरूरत है तो आप एक बड़ा और एक छोटा बनाना, क्योंकि सिमिलर में साइज बराबर होना जरूरी नहीं होता, शेप सेम होनी जरूरी होती है, तो एक आइडिया हम दिमाग में रखते हैं ठीक है भैया। अब उसने ऐसा ड्रॉ बनाना जरूरी नहीं है, मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए बातें लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी नॉलेज यहाँ कम है। सर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं देखो पढ़ो, तो सिमिलर दिए हैं, अच्छा उनमें से किन्हीं दो साइडों की रेशियो दी हुई है, देखो BC/QR 1/3 है, और एरिया ये तो गिवन है बच्चों। अच्छा कोई भी वन मार्कर क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ कुछ नहीं करना होता, माइंड में हो रहा है माइंड में करो, ऑप्शन मार्क करो, सब समझाने के लिए थोड़ा सा प्रॉपर लिख रहा हूँ। सर टू फाइंड में वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर पढ़ना जरा क्या दिख रहा है, PRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BC ऐसा कुछ बोल रहा है सर, मतलब एरिया की रेशियो पूछ रहा है सर। तो ये थ्योरम क्या है एक बारी थोड़ा रफ लिख रहा हूं मैं, मान लो दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 नाम दे दिया, सिमिलर है तो थ्योरम एरिया थ्योरम कहती है सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगी। सिमिलर ट्रायंगल है तो एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है, ये है ये थ्योरम जिसका प्रूफ इस साल सिलेबस से आउट हो गया। तो चलो थ्योरम का रिजल्ट तो पता है, सारे बोलो सिमिलर ट्रायंगल हो तो एरिया की रेशियो किसके इक्वल होगी, साइड की रेशियो, साइड की रेशियो के स्क्वायर के। अब देखना कितना घटिया क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट देख लो ट्रायंगल सिमिलर दिया है यानी तुम थ्योरम लगा सकते हो, साइड की रेशियो दी है एरिया की पूछ रहा है तो डालो ना साइड की रेशियो, यार साइड की रेशियो 1/3 दी हुई है आपको ठीक है भैया, तो 1/3 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना प्रॉपर तो कुछ करना ही नहीं है तो माइंड में भी हो जाता है, तो ये एरिया की रेशियो आ जाएगी सर, ये एरिया की रेशियो आ गई सर 1/9। तो यार दो चार बारी करोगे थ्योरम याद आएगी, आगे कभी यूज होगी 9th 11th 12th में काम आएगी। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइड की रेशियो का स्क्वायर है 1/9 आ गया ठीक है भैया, ऑप्शन आ गई डी पार्ट। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो आप,
सर उसमें गिवन है बी सी अपॉन क्यू आर सर और सर ट्रायंगल सर वो जो ट्रायंगल की रेशियो है सर वो है पी आर क्यू मतलब सर पहले एक सेकंड होल्ड कर ले मेरे भाई एक सेकंड सब कुछ तू ही बोल लेगा तो बात कैसे बन जाएगी जब एरिया की रेशियो हम निकालते हैं तो एरिया में जब ट्रायंगल के नाम लिखे जाते हैं वो अरेंज होने जरूरी नहीं होते उल्टे पुल्टे लिखे जा सकते हैं तू ध्यान से देख तेरे को जो दिया हुआ है वहां जाके देख सिमिलर जहाँ दिया हुआ है तेरी नॉलेज अच्छी है इसलिए तू इतना बोल पा रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कम नॉलेज से बोल रहे हो एक अच्छी नॉलेज है एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन फिर अच्छी थी तो क्वेश्चन भी तो उससे बढ़िया रखता ना यहाँ देखना कॉरेस्पॉन्डिंगनेस यहाँ नजर आ रही है तेरे को यहाँ थोड़ी आएगी एरिया भाई किसी ट्रायंगल का एरिया लिख रहा हूँ मैं तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंगनेस का ध्यान देना जरूरी नहीं होता किताब जरूरी नहीं समझती तो देख कॉरेस्पॉन्डिंगनेस तो यहाँ थी और यहाँ से देखेगा तो देख बीसी की कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर ही दिख रही है तो उन्हीं की रेशियो दी है ठीक है तो कॉरेस्पॉन्डिंगनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल करेक्ट किया है लेकिन आपने अच्छी बात की है कुल मिला के पकड़ गए आदित्य हाँ बाकियों के लिए नहीं थी भैया ये बात कॉरेस्पॉन्डिंगनेस बताऊंगा अभी एनसीईआरटी से कराया नहीं है ना वो बात अभी एकदम से हाँ जी माइक बंद रखिए बाकी बच्चे माइक मत खोलिएगा हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ 15th सारे होल्ड कर लो सिमिलर का ही क्वेश्चन है अभी ध्यान लगाओ सारे बच्चे उसने बोला दो ट्रायंगल डीईएफ और पीआरक्यू में कोई दो एंगल इक्वल दिए हुए भैया कोई दो एंगल इक्वल दिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ बना दूं हाँ सुनते रहना DEF आपको ड्रॉ बनाने की जरूरत नहीं है जब आपको समझ में आ जाए तो ठीक है आप समझ लो पहले सारे DEF और PRQ सर दो ट्रायंगल में एंगल D और एंगल Q इक्वल है ध्यान से देखो एंगल D और एंगल Q इक्वल है पहला एंगल फिर एंगल R और एंगल E इक्वल है एंगल R और एंगल E जो सा जिसके इक्वल है मार्किंग तो सबको आती है ना भैया उस हिसाब से दे लेते हो आप अब वो बोल रहा है भैया नीचे कौन सा रिजल्ट ट्रू नहीं है आप छोड़ दो इस क्वेश्चन को छोड़ो पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो हमने कल जितना पढ़ा उतना याद दिलाना किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं तो कल मैंने बताया था ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे सिमिलर डबल ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर अच्छा एक बात और बताई थी पक्का थ्योरी चेक कर लो पहले दो एंगल इक्वल है ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसका रिजल्ट बताया था जब भी सिमिलर ट्रायंगल हो उनमें साइडें इक्वल होती है या रेशियो इक्वल होती है साइडों की रेशियो इक्वल होती है अच्छा वो साइडों की रेशियो किसकी किस साइड के साथ रेशियो निकालेंगे वो जैसे मर्जी लिख सकते हैं या अरेंज नाम से निकालनी पड़ती है अरेंज नाम से बच्चों ये स्टेटमेंट तो है एक लेकिन ना अभी इसकी आपकी कम प्रैक्टिस है और इसमें आप असली बातें जानते भी नहीं अभी बहुत सारी चीजें इसमें सीखने की लेकिन चलिए जितना आप कोशिश करके बोल रहे हो अकॉर्डिंगली बात पूरी कर रहा हूँ और आज एक घोटाले के साथ शुरू करूंगा क्योंकि वो घोटाला समझना आज जरूरी है अब वो कह रहा है भैया इनमें से कौन सा रिजल्ट सही गलत है भैया इसने तो इतनी सारी साइडें रेशियो में दी हुई है तो क्या भाई दो एंगल इक्वल है पहले मैं एंगल इक्वल लिखूं उससे सही ट्रायंगल के नाम बनाऊं जो अरेंजमेंट ऑफ नेम कल सिखाई थी सही नाम अरेंज होगा ना उससे दिख जाएगा कौन सी साइड की किसके साथ रेशियो बराबर होनी चाहिए तो उससे सही कौन से और गलत कौन से है वो पता लग जाएगा लेकिन नाम अरेंज सही आना चाहिए एक बारी मैं घोटाला करूंगा वो घोटाला मेरा पकड़ना एंगल डी और एंगल क्यू इक्वल दिया है उसने तो पहला एंगल तो ये इक्वल दिया है और दूसरा एंगल भैया देखो किताब देखो उसने कैसे दिया हुआ है एंगल आर और एंगल ई इक्वल है ठीक है जिसको पता है घोटाला क्या हुआ काम चल जाएगा समझदार बच्चा तो इससे भी खींच देगा लेकिन फिर भी एक घोटाला है इसमें कोई बोलेगा किताब दिया है वही लिखना सर जो अपने एंगल बी के नीचे आपको एंगल ई लिखना हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड नाम बोल दो बच्चे अपना सर तरुण तरुण बहुत अच्छी बात बोल गया बोल रहे सर आपको ट्रायंगल के नाम बनाने हैं देखिए आपने डी एफ ट्रायंगल का पहला एंगल डी पी आर क्यू का पहला एंगल क्यू जो दिया हुआ था वो इक्वल लिख दिया तो सर ये दूसरा जो भी एंगल आपको इक्वल दिया ना इस ट्रायंगल के एंगल इधर ही लिखो इस ट्रायंगल के जो भी एंगल है वो इधर ही लिखो और इस ट्रायंगल के एंगल राइट ही लिखो ताकि वो सेम ऑर्डर में आप नाम बना पाओ नहीं तो एक बारी तो इसका डी इधर आ गया इसका एंगल डी और दूसरी बारी में आप इसका एंगल ही राइट लिख दोगे तो ट्रायंगल का नाम अरेंज करने में तकलीफ नहीं लगेगी कमजोर बच्चे को तो यार ऑर्डर सही से लिख लो ये सारी बातें मैं आपको टोक रहा होता हूँ ठीक है भैया तो एंगल ई किसके इक्वल है एंगल आर के भाई आर ई इक्वल या ई आर इक्वल अलट पलट के बात तो वही है ना आप थोड़ी बुद्धि लगा लो डी एफ के सारे एंगल एक तरफ लिखो ताकि आपको नाम अरेंज करने में तकलीफ ना हो अब सारे बच्चे बताओ जिस ऑर्डर में एंगल इक्वल है उसी ऑर्डर में ट्रायंगल सिमिलर है नाम उसी ऑर्डर में बनेगा बोलो इस ट्रायंगल का पहला वर्टेक्स क्या है डी दूसरा वर्टेक्स क्या है ई आज एक नया सीक्रेट और खोलूंगा आप में से आधों को पता और आधों को नहीं पता इसलिए वो सीक्रेट सुन लेना डी ई तीसरा जो वर्टेक्स बच गया एफ ठीक है सिमिलर है ट्रायंगल सिमिलर हो गया क्योंकि दो एंगल इक्वल है
इसमें पहला वर्टेक्स क्यू, दूसरा वर्टेक्स आर, तीसरा जो बच गया पी, कौन सी सिमिलैरिटी से हुए, बाय एंगल एंगल, रीजन लिख लेना, अभी आदत कम है ना, वन मार्कर में रीजन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब एक मिनट होल्ड कर जाओ, एक मिनट होल्ड कर जाओ, ठीक है। एक्चुअली ये नाम अरेंज करने से ना कॉरस्पॉन्डिंगनेस पता लगती है कि एक्चुअली कुछ कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं बच्चों, सारी साइडें सेम रेशियो में होती हैं, लेकिन किस साइड की किसके साथ रेशियो बराबर आएगी वो कॉरस्पॉन्डिंगनेस, कि इस लेफ्ट के नीचे क्या इसकी लेफ्टी आएगी या कोई दूसरी साइड आएगी, वो कॉरस्पॉन्डिंगनेस कैसे पता लगती है, वो इस अरेंज नाम से पता लगती है। तो डी का देखो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्यू था, ई का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है भैया। तो तीसरे का तीसरा होगा, इससे साइडों के नाम बनाओगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, अरेंज नाम से निकालने हैं। अब एक बारी बताना पहली साइड की रेशियो क्या आएगी, बोलो सारे बोलो, एक बार तो एक कमजोर बच्चा कह रहा है सर मेरे को देखो इतना तो आइडिया है सर, ट्रायंगल इक्वल नहीं होते सिमिलर में, शेप एक जैसी होती है, बड़ा एक छोटा होता है, तो सर साइडें इक्वल नहीं हो सकती, मैं इस बात पे कभी गलती नहीं करूंगा, साइडों की रेशियो इक्वल होगी, यानी डी बाय क्यू आर। सेकंड साइड की रेशियो देखो ई एफ, सेकंड थर्ड पॉइंट से बोलना, सेकंड थर्ड पॉइंट से ई एफ अपॉन आर पी, और फर्स्ट थर्ड से देखो तीसरी साइड बनाना डी एफ अपॉन क्यू पी। अब आप ऐसे ऐसे सब कुछ मत लिखो ना, आप तो ऑप्शन ढूंढो कौन सी गलत है, ठीक है भैया। अब दिख बहुत ही छोटा आ रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूं ताकि मेरे को विजिबल हो पहले तो, ठीक है। हाँ अभी ध्यान देना, ये ई एफ अपॉन पी आर चेक करो, देखो सब कुछ नहीं लिख सकते हम, इतने ये शक्लें थोड़ी इधर उधर कर देगा, ई एफ देखो ये रहा ई एफ, एक बारी बताना अगर इधर से ई एफ उठाई उधर से सेकंड थर्ड है ये, तो उधर से कौन सी उठानी पड़ेगी, ये तो ठीक बन गई, आरपी या पी आर एक ही बात है, किसके इक्वल है, डी एफ अपन पी क्यू। कॉरस्पॉन्डिंगनेस का ध्यान देना, डी एफ में फर्स्ट थर्ड उठाया तो इधर से भी फर्स्ट थर्ड उठाओ, बोलो क्या आएगा, क्यू पी, क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है, ये ट्रू है भैया, वो ये कह रहा था कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये तो आ सकता है इससे, ये तो सही है, अगला बढ़ो कौन सा सही नहीं है बताना है। अब उसने बोला भाई अगर यहाँ से डी उठाए तो डी के साथ देखो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू बोल रहा है, आप बताना डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी, आपकी किताब कह रही है आपकी, ठीक है भाई पी क्यू, तो बोलो ये सही है या गलत है, ये बोल रहा था भैया कौन सी ऑप्शन गलत है, बी मिल गई, ठीक है भैया बी रॉन्ग है, तो बस आगे कोई आगे बहुत रीजन नहीं देना, इसी से पता लग रहा है इम्प्लाइज दैट बी इज रॉन्ग, इम्प्लाइज दैट आंसर बी ऑप्शन है। हाँ बोलना मेरे भाई, ना ये नहीं पता चला सर, आपने ट्रायंगल डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी ही को लिखा, सर आप आर क्यू पी भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल, एक मिनट एक चीज और सुन लेना भैया, सभी सुनना, सभी बहुत ध्यान से सुनना, ये बच्चा कह रहा है सर मतलब नाम यही बनेगा, ऐसा होता नहीं है सर, मैं इसके क्वेश्चन को और थोड़ा मैच्योर कर देता हूँ कि जो जिसका पुराना कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है वो ये सोच लेगा ये बातें और ये सुननी चलायक है। ये कह रहा है सर ये जरूरी था कि ये वाला एंगल ऊपर ये वाला नीचे लिखते, मान लो आप ये वाला ऊपर लिख देते, एक मिनट सुनना, और ये वाला नीचे लिख देते तो ये मेरे को कह रहा है आपके ट्रायंगल के नाम ये नहीं बनती, फिर भी आप ऑर्डर में ही लिख रहे थे कुछ गलत तो कर नहीं रहे थे, तब आपकी नाम बनती ई डी, एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं भाई जय, इसकी नाम बनती ई सेकेंड पॉइंट डी, ठीक है ऐसे देखो देखो बात अपने आप अभी खुद ही बोल दोगे, और थर्ड बचती एफ सिमिलर, और ये आ जाता आर क्यू, और तीसरा बच गया पी। मैं कह रहा हूं आपने आगे पीछे कर दिया, आपके ट्रायंगल के नाम दिखने में दूसरी दिखी लेकिन क्या कॉरस्पॉन्डिंगनेस पे कोई फर्क है, एक बारी बताना इधर डी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जब मैंने पहले लिखा था क्या था, क्यू क्यू, इधर देखो डी सेंटर में है, बोलो डी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेंटर वाला क्या है, फर्क आया ही नहीं, जो मर्जी चेक कर लो, देखो ई का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर क्या था आर, तो यहाँ देखो E का पहले का पहला R, बिल्कुल मतलब इससे भी आप साइडें सेम रेशियो में निकालोगे वही वाली आएंगी, कुछ अलग नहीं आएगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंगनेस वही है। और मेरे से अगर सही बात करो ना, इस ट्रायंगल का नाम ध्यान से सुनना, इस ट्रायंगल का नाम छह अलग तरीकों से अलट पलट के लिख सकता हूँ लेकिन जिस तरह से इसे पलटूंगा उसी तरह से ये भी पलट जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगनेस वही होगी, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है जी। आ गया जय, जय ने पूछा था ना भाई, बात क्लियर है, हाँ जी हाँ। नेक्स्ट आ गए 16th। अच्छा ये हमारा चौथी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक का, जो आउट ऑफ सिलेबस हुई है लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा बच्चों, इसको छोड़ के मत चलना क्योंकि आने जैसी बात है, चौथी एक्सरसाइज में पढ़ा तो है नहीं लेकिन ये थोड़ा सा याद कर लो, आपको इतना तो पता है कि एक नॉर्मल कॉन्टिन्यूस क्लास टेबल दी हो तो उसमें हम लेस देन टेबल बनाना सीख गए थे, याद होगा, उसमें हम मोर देन टेबल बनाना सीख गए थे,
वो लेस देन टेबल को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना बच्चों, अगर ग्राफ पे प्लॉट करें तो उससे एक लेफ्ट टू राइट, ये आउटर सिलेबस बात है लेकिन इतना छू लेना इसे, लेफ्ट टू राइट एक अपवर्ड ग्राफ बनता है जिसे हम लेस देन ओजाइव कहते हैं, जो अभी इस साल सिलेबस से आउट हुआ। लेकिन इतनी छोटी बात तो कई टीचर पूछ जाएंगे। एक चीज और बता दूं, आपका पेपर बहुत सारा टीचर कट पेस्ट करके बनाता है, कॉपी पेस्ट होता है भैया, मतलब होना क्या है, बाद में लड़ाई लड़ते रह जाना, कुछ नहीं मिलेगा। कि उन्होंने ना दो चार क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो सिलेबस से तो आउट हो गए लेकिन उन्होंने पूछ लिए वन मार्कर में, ध्यान ही नहीं जाता कई बार टीचरों का, कॉपी पेस्ट करके बन गया। अब पेपर के बाद उसे बदल थोड़ी सकते हैं, आपके तो नंबर वो जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छूने में कहीं कोई बुराई नहीं है, और फिर आगे भी काम आ जाएंगी बातें। मैं कह रहा हूँ लेस देन टेबल का जब हम ग्राफ बनाते हैं लेफ्ट टू राइट अपवर्ड बनता हुआ बनता है, और जब मोर देन टेबल जो हमने बनानी सीखी थी उसका ग्राफ बनाते हैं ना वो राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड बनता है, इसे हम लेस देन ओजाइव कहते हैं, इसे हम मोर देन ओजाइव कहते हैं। अगर हम वो चौथी एक्सरसाइज करते तो जब वो हमसे दोनों ओजाइव बनवा लेता तो बोलना ये लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव जहाँ काटे, बोलना क्या सुनो, बल्कि आपको तो पता ही नहीं, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव जहाँ काटे उस पॉइंट की एक्स पोजिशन, वहां हमने पढ़ना था उस पॉइंट की एक्स पोजिशन को हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना बस, क्योंकि ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है, टीचरों को आत्मा तक याद है मतलब की, और इतना ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेरे को लग रहा है अभी भी कोई ना पूछ जाए। तो लेस देन ओजाइव बसर सीधी सी बात है, एक बार ही सुना आप लिख के ही आओगे, आप छोड़ के थोड़ी आओगे। लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक्स पोजिशन, जैसे एब्सिसा भी कहते हो आप, मीडियन होती है। पढ़ो, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, ऑफ अ ग्रुप डाटा गिवन इज मीडियन। लेस देन और मोर देन का जो भी ग्राफ बनता है, कर्व बनते हैं, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की एक्स पोजिशन को मीडियन कहा जाता है, ध्यान देना, ठीक है जी। नेक्स्ट याद रखना, इसको भूलना मत सारे बच्चे। अच्छा, क्लास 55 पे बिल्कुल लीव करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास मेरी इसके बाद भी है और वो मुझे यूट्यूब पे लाइव लेना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा तैयारी जाएगा मेरा, तो मैं वहाँ लीव कर दूंगा। 55 पे बिल्कुल अभी सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। हाँ जी, अगला आ गया जी। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को आप पेपर में किसी हद तक निपटा देते हो। देखो, मैं अगर इसको करूंगा और टेबल दोबारा उतारूंगा तो टाइम नहीं लगेगा वन मार्क्स में, तो वहाँ टेबल पे ही कर दिया करो, टेबल पे ही कर दिया करो। मेरे को तो समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, ठीक है भैया। क्वेश्चन पेपर पे ही निकल जाती है इतनी बात तो। एक मिनट, सारे जवाब देना। वो कह रहे हैं मीडियन क्लास की लोअर लिमिट पकड़नी है, ठीक है भैया, और मॉडल क्लास की भी लोअर लिमिट पकड़नी है और उनका सम निकालना है। पहले मीडियन क्लास ढूंढनी है, ये सीआईएफ फ्रीक्वेंसी है। आपको याद होगा मीडियन क्लास के लिए हम सीएफ कॉलम बनाते थे, पहले सीएफ बना लेते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी सेम टेनिस में नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड करते जाओ, 10+15+25+12+37+20+20+57+9+66, ठीक है भैया। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई घोटाला ना हो गया हो। टोटलिंग कैलकुलेशन हमेशा दो बारी चेक करके चलनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान देना, सबको पता होगा जो लास्ट सीएफ आती है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आएगा, 66। अच्छा, मीडियन क्लास ढूंढने के लिए आपको याद होगा फॉर्मुला मत लिख के बैठ जाना, मीडियन नहीं निकालनी है। मीडियन निकालने के लिए याद होगा एन बाय टू निकालते थे, एन बाय टू 66/2 33 आएगा, ठीक है। अब सीएफ कॉलम में 33 ढूंढते थे या 33 से जस्ट बड़ा नंबर, जल्दी से बताओ, 33 या 33 कॉपी कर दी आपने बोल के क्वेश्चन अभी ठीक हो जाएगा, कल को गलत कर दोगे। मैंने ये नहीं सिखाया था आपको, और मैंने कहा था जिस दिन गलत करना होगा ऐसे गलत करोगे। मैंने कहा था पहले एन बाय टू ढूंढना, एन बाय टू ढूंढना, ना मिले तो उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना। देखो आता है और फिर भी हम गलती बोल रहे हैं, 33 सर नहीं है सीएफ में, अब उससे जस्ट बड़ा ढूंढो, उससे जस्ट बड़ा 37, रोको मार्क करो। सारे बच्चे बोलो ये मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास चाहिए या उसकी लोअर लिमिट चाहिए, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की 10 आ गई। अब मॉडल क्लास तो डायरेक्ट पता होगी, डायरेक्ट सर इनमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट अकरिंग नंबर, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सर 20 है, उसके सामने वाली क्लास मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट बोलो क्या है, 15। मीडियन और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का सम। बच्चा कह रहा है सर कोई टेबल वेबल बना के कुछ दिखाना है, या मैं सीधा मान लो मैंने पेपर में ही सब चेक कर लिया, मीडियन क्लास दिख गई, मॉडल क्लास दिख गई, लोअर लिमिट दिख गई, मैं सीधा ऐसे कर दो, बिल्कुल सीधा ऐसे कर दो, ठीक है। 10+15 25 और ऑप्शन लिखो, ठीक है जी। तो आंसर आ गया 25 यानी बी पार्ट। ये जो भी बच्चा था बेचारा बड़ा कमजोर था, कई सारी चीजें गलत कर रखी इसने, कोई दिक्कत है तो बोलो। बस ठीक, इस क्वेश्चन पे लीव कर रहे हैं जी, इसी क्वेश्चन पे लीव कर रहे हैं। जिनका फीस सबमिट नहीं, अपनी फीस सबमिट कराइएगा,
जा सकते हैं आप भी जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 35 वाली